जान टाइम में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी देखने जा रहे हैं, जो कि यूरेशिया के तुर्की देश में स्थित है। 1960 की दशक की शुरुआत में एक आदमी अपना घर रेनोवेट कर रहा था, तब घर की दीवार तोड़ते समय उसे एक रहस्यमयी कमरा मिला। उसने और अंदर जाने का साहस किया और उसे लंबी से लंबी सुरंगों का जाल मिला। छानबीन के बाद पता चला कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है, जो लगभग 280 फीट जमीन के अंदर जाती है। इसी गहराई को देखते हुए इसका नाम दिया डेरिंक्यू। डेरिंक्यू ये एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है गहरा कुआ या गहरी जगह है। इस 280 फीट में लगभग 8 मंजिलें बनाई गई है, जिसमें लोग और जानवरों को रहने के लिए अलग अलग जगह है। सप्लाई रूम्स, अस्तबल, मिशनरी स्कूल्स, चर्च, कब्रिस्तान, व्हाइट हाउस, बैप्टिस्ट स्कूल आदि बनाया गया है। ये 150 से 160 के दशक की बात है। यीशु के जन्म के कुछ समय बाद रोमन साम्राज्य का राज था, जो ईसाइयों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। ये साम्राज्य ईसाइयों के प्रति बहुत ही क्रूर था, तो आक्रामक हमलों से बचने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड हुए। तब अगर ईसाई लोग छुपते नहीं तो शायद आज ईसाई धर्म होता ही नहीं। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती है, वो सारी चीजें इस अंडरग्राउंड सिटी में मौजूद है। एक साथ 20,000 लोग इसमें रह सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है। दूसरी या तीसरी सदी में लोग यहाँ रहते थे। आज के तारीख में एक आम सबवे बनाने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन 1800 साल पहले मॉडर्न टूल्स, मशीन्स और बिजली ना होते हुए भी उन लोगों ने इतनी बड़ी अंडरग्राउंड सिटी कैसे बनाई होगी। ये अंडरग्राउंड सिटी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी होने के साथ वेल प्लान्ड भी है। इसमें एक कॉमन किचन एरिया भी है, जिसमें सारे लोग एक साथ खाना बनाते थे। बेशक ये सिर्फ रात के समय में ही खाना बनाते थे, ताकि बाहर जाने वाला धुआं रात के अंधेरे में दूसरों को दिखाई ना दे। धुआं निकालने के लिए इन्होंने चिमनियां भी बनाई थी, जो सीधा जमीन के ऊपर निकलती थी। ये जो 180 फीट हवादार चिमनी आप देख रहे हैं, ये पहले मंजिल से आखिरी मंजिल तक जुड़ी हुई है, और इसके नीचे पानी का कुआ भी है। इसके चारों ओर सारे कमरे बनाए गए हैं, ताकि सारे कमरों में एक साथ ऑक्सीजन मिले। दुश्मन किसी वेंटिलेशन वाली चिमनी को बंद ना कर दे, इसीलिए ऐसी 10 से भी अधिक वेंटिलेशन वाली चिमनियां इन्होंने पहले से ही बना कर रखी थी। ये जो आप गोल पत्थर देख रहे हैं, ये सुरंग के दरवाजे के रूप में काम करता था। हर सुरंग में जाने के लिए अलग अलग मार्ग था, और हर सुरंग के शुरुआत में ऐसा गोल पत्थर होता था, ताकि दुश्मनों ने अगर हमला किया तो इस पत्थर से दरवाजा बंद किया जाए और नीचे के सारे सुरंगों में जाने का मार्ग बंद होता था। इस पत्थर में आपको एक छेद भी नजर आता होगा। इसका उपयोग दूसरी तरफ कौन है ये देखने के लिए या फिर पान या भाला चलाने के लिए किया जाता था। उस समय बेशक ही ज्यादा मात्रा में जानवर पाला करते थे। अंडरग्राउंड हुए ईसाई लोग अपने जानवरों को पहली मंजिल पर बांधा करते थे। यहाँ पर उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं थी। ये जो आप होल देख रहे हैं, इस होल में जानवरों की रस्सी बांधा करती थी। जानवरों को पहली मंजिल पर रखा जाता था, क्योंकि इससे नीचे के सुरंग बहुत ही पतले थे। जानवरों का उनमें घुसना मुश्किल था, और जानवरों की दुर्गंध को भी पहले मंजिल से बाहर निकालना आसान था। नीचे जब हम चौथी मंजिल पर आते हैं, तो आपको एक कम्युनिकेशन होल नजर आता होगा। ये होल चौथी मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाता है, जिसकी मदद से चौथी मंजिल के लोग दूसरी मंजिल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे। इस अंडरग्राउंड सिटी में ईसाई लोग शराब का निर्माण भी करते थे। ये वो जगह है जहाँ अंगूरों से शराब बनाई जाती थी। ये वो जगह है जो चर्च हुआ करता था। यहाँ सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि सीक्रेट मीटिंग्स भी हुआ करती थी। यहाँ से कब्रिस्तान में जाने का रास्ता है। बेशक ही उस समय के लाशों को ये जला नहीं सकते थे, क्योंकि सातवीं मंजिल का धुआं बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वे लाश को यहाँ रखकर केमिकल की मदद से लाशों को डिसॉल्व करते थे। ये जगह उन लोगों की नहाने की जगह है। ईसाइयों का मानना है कि बच्चे पापी पैदा होते हैं, इसीलिए उन्हें बैप्टिस्ट स्कूल में नहलाकर साफ किया जाता है। इसके बाद ही बच्चे असलियत में ईसाई बन जाते हैं। ये इस अंडरग्राउंड सिटी की सबसे अलीशान जगह है, जिसका नाम है मिशनरी स्कूल। इस स्कूल में बाहरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलाने का अभ्यास किया जाता था। यहाँ पर स्टूडेंट बैठा करते थे और ऊपर पढ़ाने वाले लोग बैठा करते थे। इसके बाजू में आपको स्टडी रूम्स भी
सिटी देखने को मिलती होगी, जहाँ पर विद्यार्थी स्टडी करते थे। इस अंडरग्राउंड सिटी में सुरंगों का जाल भी बनाया गया था। उन्होंने ऐसी सुरंगें भी बनाई थी जो कहीं नहीं जाती थी। अगर दुश्मन इसमें घुस जाते हैं तो गोल पत्थर से सुरंग को बंद करके वहीं पर उन्हें मार देते थे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि नीचे जाती हुई सुरंगें पतली होती जाती है। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि कोई भी दुश्मन इसमें घुस जाए तो हथियार लेकर दौड़ ना पाए। इस 280 फीट गहरी सिटी का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था, जहाँ पर गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस एरिया में लगभग 150 से 200 छोटी मोटी अंडरग्राउंड सिटी पाई गई है। आज जो हम डेरिंग क्यू अंडरग्राउंड सिटी देख रहे हैं, ये कायमकली अंडरग्राउंड सिटी से जुड़ी हुई थी, जो 7 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज ये मार्ग बंद हो चुका है। ध्यान रहे कि इन सारे शहरों का इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था। लोग इन शहरों में बरसों तक नहीं रहते थे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए।